स्टेनोग्राफर कुल शब्द 1006, प्रतिलेखन संख्या 25, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3 2 1 स्टार्ट। श्रीमान, सोने चांदी की चीजें आपको सराफ बाजार में मिलेंगी। सारे प्रसाधन की सामग्री सौदागर बाजार में मिलेगी। एक जगह अगर 20 दुकानें हैं तो किसी दुकानदार में यह हिम्मत नहीं है कि वह ग्राहक को लूट ले। वह चीज अच्छी भी देगा और सस्ती भी देगा, क्योंकि अगर आपको उसने सस्ती नहीं दी तो आप तुरंत 5 मिनट में दूसरी दुकान में चले जाएंगे। अगर दूसरे दुकान में चीज अच्छी नहीं मिली, महंगी मिली, तो आप तीसरे दुकान में चले जाएंगे। इसलिए उसकी व्यवस्था है कि वह चीज महंगी न बेचे, वह चीज अच्छी खराब न बेचे, क्योंकि ग्राहक के पास चयन की गुंजाइश है, विकल्प है। तो मैं इससे आगे कहना चाहती हूँ कि जब हर जगह एक सी सस्ती चीज एक सी बढ़िया मिलती है तो दुकानदार का अपना व्यवहार इस पर आश्रित करता है कि दुकान चलती है कि नहीं चलती है। हम और आप तो शॉपिंग करने जाते रहे हैं, हम महिलाएं तो शॉपिंग करती ही हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि अगर हर दुकान पर एक सी चीज मिल रही है तो मीठा कौन बोलता है, अच्छे से कौन बात करता है, अच्छा व्यवहार कौन रखता है उसकी दुकान पर जाएं। लेकिन जब आप इस तरह का एकाधिकारी बाजार खड़ा कर देते हैं जहां किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो वह कभी भी उपभोक्ता के हित में नहीं हो पाता। पैरा, ये हमसे नाराज हुए, इन्होंने हमारे साथ बात करनी बंद कर दी। कल्याण जी हमारा नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे, ये अपना ही कल्याण करना चाहते हैं, हम सबका नहीं करना चाहते हैं। ये आपको जरूर किनारा लगाना चाहता था, हम भी किनारा लगाना चाहते हैं। हम जितनी जल्दी चाहें उनको हटाना चाहते हैं, लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं। देश बचाने के लिए हमने कहा कि जो बहुसंख्यक लोग हैं जिनका रोजगार खेती है और यह एक खुदरा व्यापार है। मंत्री जी, मैं शहर में रहा और गांव में भी रहा। मैं जब गांव में छुट्टियों में जाता था तो मुझे वह टोकरी वाली फल लेकर आती हुई सब्जी वाली दिखाई देती थी। सड़क पर अमरूद और आम हरे पत्ते के साथ बिकते हुए दिखाई देते थे। लोगों ने 4 करोड़ कहा है, बिल्कुल गलत बात है। अपने देश में हम गरीबों की संख्या नहीं पता कर पाए, इसलिए खुदरा व्यापार के लोगों की संख्या का भी हम ठीक से पता नहीं लगा पाते। ये 5 करोड़ लोग हैं, ये रोज कमाते हैं, रोज उठते हैं और पेट की भूख का जो पहिया है उससे बंधे रहते हैं। ये जो बाजार हैं इसे आंका जरूर है, लेकिन सारे देश को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए क्या किया? जब से बाजार आया है तब से 2,75,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। पैरा, महोदय, आतंकवाद एवं नक्सलवाद देश के सामने एक गंभीर चुनौती है। हमें इसे वोट बैंक के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। हमारा देश आज परमाणु ताकत संपन्न देश है।
हमारा देश विश्व महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारे पास साहस एवं संसाधनों की कमी नहीं है, हमें पूरी ताकत के साथ इनका सामना करना चाहिए। देश में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण कई प्रकार की विसंगतियां जन्म ले रही हैं। हमें ईमानदारी पूर्वक इन विसंगतियों को दूर करने का आज संकल्प लेना चाहिए। हमारा लोकतंत्र कभी मर्माहत न हो। हमारी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर हमें करनी है। इस 60 वर्ष के अंदर हमने सफलतापूर्वक अपनी संसदीय प्रणाली को संचालित किया है। विराम, यदि 1975 की आपातकाल की घटना को छोड़ दें तो आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कभी किसी ने उंगली उठाने का साहस इस देश में नहीं किया। पैरा, हम खुश नसीब हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद है और दस्तूर भी अपना है जिस पर मुल्क का निजाम चल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर आज़ादी की कुर्बानियां दी और मुल्क को आज़ाद कराया। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों ने जेलें काटी, कितने फांसी पर लटकाए गए, सीने पर गोलियां खाई और मुल्क को आज़ाद कराया। गांधी जी ने कहा था, मुल्क में गुर्बत और नाबर्बरी बहुत ज़्यादा है, हमें उनकी तरक्की और सुधार के लिए काम करना होगा, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। लेकिन अफसोस, हमने शहरों को सजाया, गरीबों की परवाह नहीं की। आज भी मुल्क में लोग भुखमरी का शिकार है, खुदकुशी कर रहे हैं, जो कि मुल्क के लिए बहुत शर्म की बात है। आज भी ना बराबरी शबाब पर है, दलित और पिछड़े लोग जुल्म का शिकार हैं। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया है। आज मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, जैसा कि सच्चर समिति की रिपोर्ट में लिखा है और रंगनाथ आयोग ने भी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत जो कि 30 करोड़ से ज़्यादा है, वो आज रोजगार और तालीम से महरूम है। सरकार ने मुसलमानों की तरक्की और बदहाली दूर करने के बारे में कभी नहीं सोचा। मुसलमानों से वोट तो लिया जाता है, लेकिन उनकी पसमांदगी, बेरोजगारी और तालीम वगैरह के मामले में तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि उनके साथ नाइंसाफी की जाती है। इस तरीके से इतनी बड़ी अकलियत को नज़रअंदाज करना मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। पैरा, महोदया, आज वास्तव में एक अति विशिष्ट दिन है। मैं हिंदी की 20 साल की उम्र के बाद सीखा हूँ और इसीलिए जो सीखा है वही पुस्तक हिंदी बोलता हूँ। मैंने देखा है कि देश भर के लोग इस हिंदी को अधिक समझते हैं। जिसको साधारणतः सरल हिंदी कहा जाता है उसे उत्तर भारत के लोग जरूर समझते हैं, लेकिन पूरे देश के लोग नहीं समझ पाते हैं। पैरा, महोदया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। 2-3 दिनों से यह कष्ट रहा है, लेकिन मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे जीवन का और मेरे जीवन की प्रमुख घटनाओं का आरंभ स्वतंत्रता प्राप्ति से नहीं होता है। मैंने अंग्रेजों का शासन देखा है और जीवन के उन आरंभिक 20 वर्षों में मन की एक ही इच्छा रहती थी कि
इस साम्राज्यवाद से मुक्ति कब और कैसे हो? पूर्ण विराम।